फाइनली आ गया है ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि आईफा चल रहा है और आईफा में अरशद वारसी ने कल की और प्रभास को लेकर के कुछ अपना जो कमेंट है उसके ऊपर कुछ और चीजें बोली हैं, जिसके मिक्स्ड ओपिनियंस मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। उस पर मेरा क्या रिएक्शन है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। भाई कल की से सबको इतना प्रॉब्लम क्यों है? प्रभास के हेटर्स इतने ज्यादा हैं, और ये बोलते हुए मुझे खुशी होती है, क्योंकि जब कोई एक्टर बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ बन जाता है, कोई कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ बन जाता है, तभी जाकर ना उसके इतने हेटर्स हो पाते हैं, तभी जाकर इतनी हर चीज में न्यूज में नाम आता है, सब कुछ होता है। नहीं तो अरशद वारसी का कोई इस तरीके का कमेंट करना कहाँ से बनता था, वो भी एक पॉडकास्ट में जिसको जिसकी कोई फिल्म नहीं आ रही है, जिसको कोई आज के टाइम में कोई देयर इज नथिंग दैट ही इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ सिनेमा। बट यस, रिसेंट पास में कुछ उन्होंने काम वगैरह किया था जिसके चलते वो काफी चर्चा में भी थे, और एक समय पे आप देखो तो अरशद वारसी वॉज अ रिस्पेक्टेड एक्टर, वॉज बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं एक भाषा की मर्यादा होती है, कहीं ना कहीं हर एक्टर की, हर इंसान की एक जिम्मेदारी होती है, और आप सिविलाइज और एक पावरफुल एक जब जगह से आते हो तो आपकी ये आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट यू नो यू नीड टू बी इन दैट पर्टिकुलर उस मर्यादा में आपको रहना चाहिए। लेकिन एज वी ऑल नो द कॉन्ट्रोवर्सी, अरशद वारसी ने जोकर बोला, प्रभास के कैरेक्टर को बोला, बहुत कुछ बोला, प्रभास को ही एक तरीके से बोला, और उसके ऊपर रिएक्शंस क्या क्या आए थे। उसके बाद आपको याद है नाग अश्विन ने बुज्जी टॉय भेजा था फॉर अरशद वारसी, एंड ही ऑल्सो सेड दैट ही शुड हैव थॉट अबाउट हिज वर्ड्स, ही शुड हैव चोजन हिज वर्ड्स केयरफुली, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रभास हु इज समबडी, पहली बात तो जिन्होंने खुद कभी किसी के लिए ऐसा नहीं बोला होगा, और दूसरी चीज़ ये कि उनकी फिल्में, चाहे वो फिल्म का मतलब आप ये मान के चलो कि कोई किसी को लगे कि ये फिल्म बिल्कुल नहीं चलने वाली है, वो फिल्म भी यार 500 करोड़ करती है बॉक्स ऑफिस पे, ठीक है, इतना नेटवर्थ है, इतनी पागलों जैसी उनकी फैंडम है ओवरसीज में, लोग प्रभास के लिए, उनके लिए, उनके फैंडम की वजह से इतने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, पागल रहते हैं लोग उनके लिए। सो उस बंदे के लिए ऐसी बातचीत बोलना ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड देन टू स्टैंड बाय इट इज स्टुपिडिटी, आई थिंक ये स्टुपिडिटी लगी मुझे। अभी रिसेंट कुछ डेवलपमेंट हुई है, वी ऑल नो कि आईफा चल रहा है, और आईफा में जितने भी हमारे बॉलीवुड के जो हैं एक्टर्स वो सब होते हैं, तो किसी ने मीडिया में किसी ने इनसे सवाल पूछ लिया कि आपका जो ओपिनियन था वो कल्कि के ऊपर और वो जो प्रभास के ऊपर वो जोकर वाला कमेंट था उसको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस। पहली चीज तो ये ही शुडंट हैव रिएक्टेड, उस अगर एक बार गलती कर दी है तो उसके बाद उसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए था। अब बोला है तो यही बोला है कि प्रभास इज अ ब्रिलियंट एक्टर, आई नो दिस, लेकिन भैरवा का कैरेक्टर जो था वो मुझे दुख होता है देखकर, माई हार्ट ब्रेक्स व्हेन आई सी अ गुड एक्टर गेटिंग अ बैड कैरेक्टर। नाउ आई वांट टू आस्क हिम और आई वांट टू आस्क समबडी हु हैज बीन क्रिटिसाइजिंग भैरवा कैरेक्टर इन दिस फिल्म, भैरवा या कर्ण का कैरेक्टर इन दिस फिल्म, कि इस कैरेक्टर में ऐसा क्या था जो इतना हेट्रेड और इतना सब कुछ मिल रहा है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सीधा क्रिटिसिज्म प्रभास का ही था, प्रभास को ही लेकर बोला गया था, वो अब थोड़ा सा वर्ड प्ले हो चुका है, जैसे कह रही हूँ ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है, अब थोड़ा सा अपनी बातों को पॉलिश किया जा रहा है, नहीं मैं प्रभास के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं इस कैरेक्टर के लिए बोल रहा था। तो नागश्विन ने ये बात बोली भी कि आई विल मेक श्योर दैट इन द नेक्स्ट पार्ट अरशद वारसी को मैं सबसे पहले दिखाऊं अपनी फिल्म और उनका अप्रूवल लूं कि भाई कैसा लगा आपको इस बार प्रभास का कैरेक्टर। तो आई वॉज शेल शॉक्ड टू सी दैट somebody who I was respecting since so many years, मुझे लगता था अच्छा बोलते हैं, सही बोलते हैं, मीडिया से इंटरेक्शन अच्छा लगता है, काफ़ी फ्रेंडली उनका डिमीनर है, बट देन वो बातों को नहीं वो कर पाए, अपनी बातों को डिफेंड नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं अब इस चीज़ में और भी ज़्यादा उलझने वाली बात हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने साइड कर लिया, अपने आप को बोल दिया कि भाई मैं प्रभास के बारे में नहीं, मैं कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा था। तो मुझे तो यही लग रहा है कि भाई कैरेक्टर के बारे में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, वो भैरवा का कैरेक्टर ही कॉमिक था, फनी था, उसका कैरेक्टर ही ऐसा था जिसमें उनको वो सब चीज़ें करनी थी, एंड आफ्टर दैट ही रियलाइजेज दैट ही इज कर्ण। तो अब सेकेंड पार्ट में तो हमको वैसे ही पता है कि कर्ण के ऊपर ही सारी कहानी बेस्ड होने वाली है, तो इज अरशद वारसी इवन थिंकिंग व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि कैरेक्टर तो वो कर्ण का था, तो क्या कर्ण के कैरेक्टर से प्रॉब्लम है, कर्ण हमारे जो हमारा जो हिस्ट्री है उसमें जो ये कैरेक्टर है उससे प्रॉब्लम है या क्या है, आई हैव नो आइडिया, बट आई वॉन्टेड टू साइड दिस थिंग कि भैया आप का अगर पर्सनल ओपिनियन है या चॉइस है तो नाउ यू आर नॉट इन अ सिचुएशन कि आप कोई लेमैन होगी, आपने अपनी पर्सनल चॉइस बोल दी, ट्विटर पर डाल दिया, नाउ यू आर समबडी हु विल ऑलवेज बी टेकन एज मतलब जो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल जगह से आता है कि भाई आप कुछ बोल रहे हैं मुंह से तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू है और उसका कुछ ना कुछ अर्थ मतलब इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा। ये नहीं है कि नेगेटिविटी करने में लोगों को मजा आता है, यहाँ पे लोगों को आपकी बात को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया था, बिल्कुल नहीं, साफ तौर पर वो इंटरव्यू है, वो वीडियो अवेलेबल है, सबके पास है, सब फैंस जो है वो देख सकते हैं कि बोला तो गया है, बोला तो है, नाउ इट्स अप टू हिम कि वो उस बात को डिफेंड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने तो प्रभास के बारे में नहीं बोला, प्रभास इज अ ब्रिलियंट एक्टर। सो ऑल इन ऑल
है तो कुछ फनी सिचुएशन, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास से somebody जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ चल रहा है उनके आसपास, बिकॉज ही हैज अ लार्जर देन लाइफ इमेज, एंड आई थिंक दैट इन सब छोटी मोटी बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई होप दैट। बाकी आप जितने भी फैंस हो, आपको क्या लगता है यार कि ये सब चीजें होनी चाहिए? फिर बोलते हैं कि नॉर्थ वर्सेस साउथ में हमको गुस्सा आता है, इन्होंने बोला है सी इंटरव्यू में बोला है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट दिस वर्ड, आई हेट बॉलीवुड टॉलीवुड वर्ड, आई डोंट नो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से एंड व्हाट इज ही ट्राइंग टू डिराइव एट, मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया तो मुझे बता दो भाई, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी भी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट इज कॉस्ट और फंक्शन।